गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोगों को क्लास एट की संस्कृत का 13वां चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए चैप्टर का नाम है चरक। ये महर्षि चरक हैं, इन्होंने चरक संहिता नामक आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखा है और इसीलिए इनका नाम देखिए चरक है और इन्हीं के नाम पर चरक संहिता इन्होंने लिखा है। इसमें आयुर्वेद विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में बताया गया है और उसमें आयुर्वेद का क्या रोल है वो बताया गया है। तो देखिए शरीरम अद्यम खलु धर्म साधनम इति शास्त्र वाक्यम सर्वथा उत्पन्न। देखिए निश्चित ही शरीर धर्म का पहला साधन है ऐसा देखिए शास्त्रों का उचित कथन है। स्वस्थ शरीरम बिना जीवन यात्रा के ना प्रकारेण पूर्णा न भवतु अर्हति। स्वस्थ शरीर के बिना जीवन की यात्रा किसी भी प्रकार से पूर्ण नहीं हो सकती है। चिकित्सा शास्त्र चरक संहिता इति आयुर्वेदिक ग्रंथ न केवल प्राचीनतम अपितु श्रेष्ठतम अपि अस्ति। चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता नाम का आयुर्वेदिक ग्रंथ केवल प्राचीन ही नहीं है बल्कि श्रेष्ठ भी है। कस्य रोगस्य किम लक्षणम किस रोग का क्या लक्षण है किम पथ्यम किम च निदानम। देखिए किम पथ्यम किम निदानम उसका क्या आहार है और उसका क्या निदान है। सर्वम अत्र चिकित्सा आचार्येण चरकेण विस्तारेण वर्णितम। सब कुछ यहाँ चिकित्सा आचार्य चरक के द्वारा विस्तार से वर्णन किया गया है। महर्षि चरक कथयति पंचभूतात्मक ही देह पंच च देह से इंद्राणि इंद्रिय निग्रह च स्वस्थ आचरणम। देखिए महर्षि चरक कहते हैं कि निश्चित रूप से शरीर पांच तत्वों से बना है और इस शरीर की पांच इंद्रियां हैं और इंद्रियों को वश में रखना स्वस्थ आचरण है। अपिचय वात पित्त कफ इति त्रय दोषा। देखिए और शरीर और भी वात पित्त कफ शरीर के ये तीन दोष हैं। एतेषां त्रयाणां दोषाणां प्रमाणे विषमे जाते शरीरे रोगा जायन्ते। देखिए इन तीनों दोषों का मात्रा में विषम हो जाने पर शरीर में रोग पैदा होते हैं। एवं शरीरस्य दोषाणाम असंतुलिता प्रमाण एवं रोग दोषाणाम संतुलन च रोग उपचारणम। देखिए इस प्रकार शरीर को के दोषों की असंतुलित मात्रा ही रोग और दोषों का समान मात्रा में होना रोग उपचार है। तत् प्रमाणम संतुलित भवेत यदर्थम रुग्णाय औषधम दीयते। वह मात्रा समान हो जाए इसलिए रोगी को औषधि दी जाती है। यह परम यदि आहार है आचार विषय संयम भवेत। परंतु यदि आहार और आचार के विषय में संयम हो तो शरीर से दोषाणाम संपूर्णम संयोग विद्यते। शरीर के दोषों की मात्रा स्वयं ही हो जाती है। अजीर्णे भोजनम विषम। देखिए अपच होने पर भोजन विष के समान है अतः प्रतिजनन हितभुक मितभुक ऋतभुक चात। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति हितकारी खाने वाला उचित मात्रा में खाने वाला और मौसम के अनुसार खाने वाला होना चाहिए। मन शरीरम च अन्यो अन्य आश्रितम। देखिए मन और शरीर एक दूसरे पर आश्रित हैं। स्वास्थ्य रक्षा न केवलम शुद्धम आहार स्वच्छ वायु सुख निर्मल जलम यथोचित व्यायाम अपेक्षते अपितु चित्त शुद्धि अपि अपेक्षिता भवति। देखिए स्वास्थ्य की रक्षा के लिए न केवल शुद्ध आहार स्वच्छ वायु निर्मल जल यथाचित व्यायाम चाहिए अपितु मन की शुद्धि भी आवश्यक है। अतः सदाचार अनिवार्य संयम च स्वस्थाचरण। इसलिए सदाचार अनिवार्य और संयम के साथ स्वस्थ आचरण भी होना चाहिए। थैंक यू।